नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब तक हमने पाठ एक की कविता पढ़ी थी और उसके प्रश्न उत्तरों को भी कर लिया था, और आप सब ने अपनी बुक में सारे अभ्यास प्रश्नों को भी कर लिया होगा। चलो एक बार फिर से मैं इन सबको अच्छी तरह से समझा देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। सबसे पहले हम अपनी अपनी कॉपी निकाल लेंगे। कॉपी में जो कुछ भी आपने लिखा है उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे सबसे पहले हमने किए थे श्रुतलेख, रोज, चिड़िया, चींची, आवाज, द्वार, किरणों, फूलों, सुहाना, सुबह, शांत। आगे पढ़ेंगे शब्दार्थ, धूप, सूर्य का सुनहला प्रकाश, द्वार, दरवाजे, टहले, घूमे, सुहाना, सुहावना या फिर मन को अच्छा लगने वाला, मुहाना, किनारा। आगे करेंगे प्रश्न तीन जो मैंने आपको करवाया था। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में हमको देने हैं। सबसे पहले करवाया था चींची की आवाज में चिड़िया किससे क्या कहती है। उत्तर है, चींची की आवाज में चिड़िया हम सभी से सुबह जल्दी उठने के लिए कहती है। प्रश्न दो, धूप द्वार पर तुम्हें बुलाती, इस पंक्ति में तुम्हें किसके लिए प्रयोग किया गया है। उत्तर है, इस पंक्ति में तुम्हें शब्द हम सभी के लिए प्रयोग किया गया है या बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है। हम सभी है ना इसमें जो कविता सुन रहे हैं। आगे है प्रश्न तीन, सुबह सुहाना कौन लगता है। उत्तर है, सुबह नदी का शांत किनारा जो है वो सुहाना लगता है। सुहाना यानी मन को अच्छा लगता है। प्रश्न चार, सुबह के वातावरण में समाई ताजगी एवं उसके सुख का पता किसे चल पाता है। कौन प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले पाता है। उत्तर है, जो व्यक्ति जल्दी उठ जाता है वह सुबह के वातावरण के आनंद का सुख पाता है। आगे है बच्चों प्रश्न चार है, कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। चलो देखते हैं इसको। अब तक तो कविता भी याद हो गई होगी आपको, है ना। रोज सवेरे चिड़िया आती चींची की आवाज लगाती, देखो सूरज निकल गया है धूप द्वार पर तुम्हें बुलाती। ख है, आओ चलो दूर तक टहले, खुली हवा में पल भर रह ले, किरणों से कुछ उनका सुन ले, फूलों से कुछ अपना कह ले। आगे करेंगे बच्चों निम्न प्रश्नों के उत्तर हमको दो तीन वाक्यों में देने हैं। प्रश्न एक है, किरणों से कुछ अपना सुन ले, फूलों से कुछ अपना कह ले, इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। उत्तर है, इस पंक्ति के द्वारा कवि ये कहना चाहते हैं कि यदि हम सुबह के समय सूरज की किरणों की बातें सुन ले तथा फूलों से कुछ अपनी बातें कह ले, हमें यह सब कुछ बहुत सुहावना लगेगा। क्या मतलब है इसका यहाँ पे, कि हमें प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए भगवान की बनाई हर चीज से बातें करनी चाहिए। प्रश्न दो है, सुबह दूर तक टहलने से क्या लाभ होगा, सोचकर बताइए। सुबह दूर तक टहलने से हमें खुली हवा मिलेगी और सूरज की किरणों का व फूलों की खुशबू का आनंद मिलेगा। बाद में जैसे गर्मी बढ़ जाती है तो हमें अच्छी नहीं लगती ना, सुबह के वक्त मौसम बहुत अच्छा होता है। प्रश्न तीन कहेंगे, सुबह का समय प्रकृति से कौन कौन से सुख प्राप्त होते हैं। उत्तर है, सुबह के समय प्रकृति द्वारा हमें पेड़ों की ताजी हवा, फूलों की सुगंध, चिड़ियाओं की आवाज व सूर्य की किरणों आदि का सुख प्राप्त होता है। ये सब कब मिलेगा, सुबह सुबह मिलेगा ना। प्रश्न चार, यह कविता क्या सीख देती है, अपने शब्दों में बताना है हमें। यह कविता हमें सीख देती है कि हमें सुबह जल्दी उठकर घूमने के लिए जाना चाहिए तथा प्रकृति की सुंदरता का सुख प्राप्त करना चाहिए।
ये हो गए बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है, कोई भी परेशानी होती है, कोई प्रश्न नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आगे हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे जो हमारी बुक एक्सरसाइज का पार्ट है। सबसे पहले देखो मौखिक प्रश्न है जिसे हम कॉपी में नहीं करते, सिर्फ बुक में ही लिख लेते हैं। चिड़िया कैसे बोलती है? चिड़िया ची ची बोलती है। चिड़िया सुबह क्यों आती है? चिड़िया सुबह हमें जगाने आती है। सुबह सभी को क्या करना चाहिए? उत्तर है सुबह सभी को दूर तक टहलने के लिए जाना चाहिए। घ है इस कविता के कवि कौन है? उत्तर है इस कविता के कवि मधुसूदन शाह है। आगे हमें पंक्तियां दे रखी हैं बच्चों जो मैंने आपको कॉपी पार्ट में पहले अभी करवाई हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न दो, सही शब्दों के साथ जोड़े मिलाने हैं। सबसे पहले देखो चिड़िया, चिड़िया को किससे मिलान करेंगे? सभी को सुबह जल्दी उठाती है। खुली हवा ताजगी से भरी होती है। नदी का किनारा, नदी का मुहाना यानी कि किनारा सुबह को बहुत शांत होता है। आगे है सुबह जल्दी उठने वाला, क्या प्राप्त होगा उसे? सुबह का हर सुख प्राप्त करता है। किरणों से कुछ उनका हालचाल जान ले, फूलों से कुछ अपनी बातें कह ले। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न दो। आगे है एक दो शब्दों में जो कि हमने कॉपी में अभी किए ही हैं। आगे बढ़ते हैं, दो तीन वाक्यों वाले वो मैंने आपको अभी करवाए हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि क्या है हमारे अभ्यास प्रश्नों में। आगे है भाषा और व्याकरण, इसमें हमें पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, इन सबको हमें याद भी करना है ना। तो चलो पर्यायवाची बढ़ते हैं। सूरज, रवि, सूर्य, भास्कर, प्रभाकर। आगे दे रखा है फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून, पुष्प। नदी का होता है सरी, सरिता, तटनी, वाहिनी। चिड़िया, खग, पक्षी, पंछी, पतंग। सुबह, सवेरा, भोर, प्रातःकाल, उषा। किरण, किरण, प्रभा, अंशु, कर, रश्मि। द्वार, दरवाजा, फाटक, पट या फिर कपाट। अब हम वर्णों को अलग अलग करके लिखेंगे। यहाँ पर एक शब्द दे रखा है, उसको हमें प्लस करते हुए वर्णों को अलग अलग करना है। जो व्यंजन होते हैं उसके नीचे हम हलंत लगाते हैं और जो स्वर होते हैं उनके नीचे हलंत नहीं लगता। जैसे र हलंत प्लस ओ प्लस ज हलंत प्लस अ, क्योंकि ज के पीछे कोई मात्रा नहीं है। फिर है सुख, सुख में स हलंत प्लस ऊ। ऊ क्यों लिखा है हमने? क्योंकि वहां पे स पर छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे ऊ लिख देंगे। प्लस ख हलंत प्लस अ, अ क्यों? क्योंकि ख के साथ में कोई मात्रा नहीं है। द्वारा, द हलंत लगा हुआ है इसीलिए हम अ की मात्रा नहीं लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। प्लस व हलंत प्लस आ, आ क्यों? क्योंकि व के पीछे आ की मात्रा दे रखी है। प्लस र हलंत प्लस आ, क्योंकि रा के पीछे आ की मात्रा लगी हुई है। सुहाना, अब हम आगे देखेंगे स हलंत प्लस उ, क्योंकि स के साथ में उ की मात्रा दे रखी है। प्लस ह हलंत हलंत प्लस आ, प्लस न हलंत प्लस आ। ये ध्यान रखेंगे बच्चों, जहां पर भी आ की मात्रा लगी हुई है तो हम उसके साथ में आ लगाते जाएंगे। चिड़िया, च हलंत प्लस ई। क्यों लिखा हमने यहाँ पर? क्योंकि च पर छोटी की मात्रा लगी हुई है और ड पर भी छोटी की मात्रा लगी हुई है। ड हलंत प्लस ई प्लस य हलंत प्लस आ, क्योंकि आ की मात्रा लगी हुई है। आगे हम करेंगे बच्चों प्रश्न चार, इन शब्दों से कविता के अलग अलग वाक्य बनाने हैं। आवाज, कोयल की आवाज मीठी लगती है।
धूप सुबह की धूप सुहावनी होती है। ग पेड़ हवा, पेड़ों की हवा शुद्ध होती है। सुख ठंडी हवा हमें सुख प्रदान करती है। किरण सूर्य की किरणें आ रही है। ये हो गई बच्चों हमारा प्रश्न चार, हमारा अभ्यास प्रश्न यही समाप्त होते हैं और हमारी कक्षा भी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।